ये सिर्फ उनके लिए है जो नए नए हैं कैंपिंग में, कैंपिंग करना चाहते हैं। इस पैच पे थोड़े से ट्विस्टीज भी हैं तो बड़ा मज़ा आता है चलाने में। बारबेक्यू और जो वुड फायर पे बना के मज़ा है जो खाने का, वो अलग ही है। वो बड़े बड़े रॉक्स मैन, वाओ। बीच में केव भी है, दिस इज हेवन। मेरा टेंट है और मैट है, देन मेरा स्लीपिंग बैग भी। अगर आप ऐसी किसी कैंपिंग पे आते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ बारबेक्यू इज गोइंग ऑन। गुड आफ्टरनून फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर अ कैंपिंग राइड, और इट्स नॉट अ सोलो राइड दिस टाइम। आई एम विद अ ग्रुप जो कि एक कैंपिंग ग्रुप है पुणे और मुंबई से, काफ़ी सारे कैंपिंग और राइडिंग एंथुजियास्ट हैं जिनके साथ मैं जा रहा हूँ कैंपिंग के लिए। जगह कौन सी है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या है, सब कुछ बताता हूँ आपको। फ़िलहाल थोड़ा टाइम कम होने की वजह से लेट अस लीव फ्रॉम हेयर बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू द सेटअप, हाउ आई सेटअप कैंपिंग एंड ऑल दैट। कैसे हम जगह ढूंढते हैं, फाइनलाइज करते हैं, वो प्रोसेस दिखानी है। सो सनसेट होने से पहले हमको साइट पे पहुंचना है। टीम इज हेयर, से हाय एवरीवन। इंट्रोडक्शन कराते हैं पहुंच के। हेलो, ऑलराइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर आप पुणे या मुंबई से हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिस इज़ कान्हे फाटा ऑन द ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे, और यहां से हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ठोकरवाड़ी डैम। सो ठोकरवाड़ी डैम वही जगह है जहां पे मैं कई बार राइड करने आ चुका हूं, कैंपिंग भी करने कई बार आया हूं, बट व्लॉग एक बार मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ ठोकरवाड़ी एंड खंडी डैम का। सो अगर आपने नहीं देखा वो देख सकते हैं, एंड वहीं पे आज कैंपिंग का प्लान है। सो यस, लेट अस रीच देयर इन गुड टाइम, जब तक सनलाइट है। ओप्स, ट्रैफिक जैम, आज बहुत सारे ब्लॉक्स लग रहे हैं, रास्ते में भी जैम था और यहाँ भी ट्रैफिक जैम। आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है, लेट्स सी। वेल, ऑल द ट्रैफिक एरिया विलेजेस एंड ऑल वो हमने पार कर लिया है। अभी हम लोग आ गए हैं टूवर्ड्स दैट यू नो ब्यूटिफुल राइडिंग सर्किट। सूरज ढलने लगा, इट्स 4:50 नाउ। थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू रीच देयर इन गुड टाइम सो दैट मैं आपको जो कैंपिंग की पूरी प्रक्रिया है वो दिखा पाऊँ। पर यू नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप एक बड़े ग्रुप के साथ आते हैं। जैसे पहले किसी का ब्रेकडाउन हो गया बाइक, तो हमारा आधा ग्रुप वहाँ गया उनको हेल्प करने, उनकी बाइक को देखने क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ यू नो पीपल हु आर राइडिंग स्लो और जो पीछे रह जा रहे हैं, वो एक चैलेंज आ रहा है मुझे। आई होप आई मेक इट इन टाइम, बिकॉज छोड़ के भाग जाऊँगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। देखते हैं। वेल, चलिए धीरे धीरे चलते चलते बातें करते हैं आज के वीडियो के बारे में, कि वीडियो क्या होने वाला है। सो इट विल बी अ कैंपिंग वीडियो ऑफ कोर्स, जैसा मैंने बताया। भाई साहब सो गए थे गाड़ी पे। सो यप, थिंग इज दैट कैंपिंग वगैरह जैसे मुझे उसका भी शौक है, मैं वो करता रहता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑफन नहीं वो हो पा रहा, ख़ास करके कोविड के बाद। और बीच में मैं आया था एक बार सेम स्पॉट पे कैंपिंग करने, बट उस टाइम मैं अकेला जो है लेट थोड़ा आया था, बाकी लोग पहले पहुंच गए थे। सो अंधेरा था काफ़ी, तो मैं कुछ ज़्यादा शूट कर नहीं पाया था और ना उतने मैं मूड से आया था। बट आज मैं पूरे मूड में हूँ बताने के लिए कि भाई वट आर द बेसिक्स ऑफ कैंपिंग। मीन्स आई एम नॉट
इट्स नॉट अ ट्यूटोरियल और एनीथिंग लाइक दैट। और जो लोग कैंपिंग में प्रोज हैं, जो बहुत करते रहते हैं, वो मेरी बातें ना सुने। ये सिर्फ उनके लिए है जो नए नए हैं कैंपिंग में, कैंपिंग करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं कि कैसे शुरुआत करें, क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ें। आई होप आप देख पा रहे हो कि गोप्रो में वो हिल के ऊपर विंड मिल्स हैं। वेल, स्लोली चलते चलते पहुँच ही गए और बैक वाटर्स ऑफ द डैम दिखने भी लगे। ये वाला एरिया ख़ास करके बहुत सुंदर है इस पैच पे, जब आप यहाँ पे मानसून में आते हैं। ये मस्ट टर्न है। यहाँ पे इस पैच पे थोड़े से ट्विस्टीज भी हैं, तो बड़ा मज़ा आता है चलाने में। और मैं ये बोल रहा था कि बारिश में अगर आप यहाँ आएंगे ना, तो ये पूरी दीवार एक इट विल बी लाइक वाटरफॉल्स ऑल अलोंग, मज़ा आता है। हमें जाके अभी, वैसे तो मैं ब्रॉट कोल विद मी, लाया हूँ मैं कोयला बारबेक्यू के लिए, बट हल्की हल्की ठंड है, रात को तो काफ़ी ठंड हो जाएगी। सो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वुड फायर इकट्ठा करके बॉनफायर किया जाए। बारबेक्यू तो होगा ही, अपने को खाना उसी पे बनाना है। वैसे पोर्टेबल स्टोव्स वगैरह हैं हमारे पास, बट बारबेक्यू और जो वुड फायर पे बना के मज़ा है जो खाने का, वो अलग ही है। सो लकड़ी वगैरह भी इकट्ठी करनी है। खैर, राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे इस एरिया, वैसे तो पुणे अब थोड़ा ड्राई हो चुका है, बिकॉज़ यहाँ बारिश नहीं होती, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट वेजिटेशन ड्राई ही रहती है। बट यहाँ पे ड्यू टू वाटर बॉडी और मॉइस्चर, यहाँ काफ़ी हरियाली है अभी भी। इट्स लाइक अ वैली, क्योंकि एक साइड से पूरा हिल्स हैं जो विंड को ब्लॉक करते हैं, और जो भी मॉइस्चर आता होगा वो यहाँ रिटेन हो जाता होगा। ये मेरा मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा जियोलॉजिस्ट या ज्योग्राफी एक्सपर्ट नहीं हूँ। बाय द वे, पुणे के आसपास अगर कुछ ऐसी अच्छी कैंपिंग साइट्स हैं, एंड बाय साइट्स आई डोंट मीन द पेड साइट्स, आई मीन खुद से जहाँ कैंपिंग हम कर सकते हैं, कोई अच्छे सजेशंस अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए कमेंट्स में कि मैं कहाँ और जा सकता हूँ। यूजुअली कैंपिंग के लिए जो मुझे समझ में आता है वो ये कि ठोकरवाड़ी डैम एरिया, एंड देन भोर एंड अराउंड, देन आपका तेलबेला एंड वो जो तामनी घाट से पीछे लोनावला की तरफ वो रास्ता, और ये सब जगहें हैं। बट अगर आप कुछ ख़ास जगह बताना चाहें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। वो देखिए, जो सामने एकदम फ्लैट रॉक्स हैं, वो बड़े बड़े रॉक्स, मैन वाओ। और वहाँ बीच में केव भी है, वाओ। इतनी क्लियरली पहली बार देखा है, बिकॉज़ यूजुअली मैं यहाँ पे मॉनसून या उसके इमीडिएट आफ्टर आया हूँ, तो उस टाइम पे तो यहाँ बारिश और सब कुछ हरा भरा रहता है। इवन दीज हिल्स पूरे हरे रहते हैं। सो इतना ध्यान से मैंने कभी यहाँ देखा नहीं, और इतना स्लो भी मैं यहाँ से कभी गया नहीं। हम लोग काफ़ी पास आ गए हैं अपने वेन्यू के, जहाँ से हमें टुवर्ड्स वाटर बॉडी उतरना है। और हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी है, वाह। ये देखिए,
पलाश फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नाइस और आई थिंक उसके ऊपर लंगूर थे। यहाँ थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ तो होगी आई थिंक लेपर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे। ओ मैन आई थॉट कि एक बाइक के नीचे आएगा बट ही वॉज नॉट कन्फ्यूज वो मुझे अटैक करने के लिए आ रहा था। वहाँ कहीं हम लोग कैंप करेंगे वो मंदिर के पास से जाके। वेल दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हमें कहीं से तो टर्न लेना है। सो यहाँ से हमारी शुरू होती है ऑफ रोडिंग थोड़ी सी। काफ़ी पानी है अभी इस बार विंटर्स में बिकॉज मॉनसून इस बार काफ़ी लेट हुआ है। लास्ट टाइम हमने यहाँ से काफ़ी दूर जाके कैंपिंग की थी इस बार काफ़ी पास ही हैं हम लोग रोड से। बट या आई एम हैप्पी दैट वी मेड इट इन गुड टाइम। बर्ड्स भी हैं काफ़ी। ओ वाओ लुक एट दैट। वो देखिए डक्स हैं। कौन सी हैं देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा झुंड है। आई फॉरगॉट वी आर इन विंटर और माइग्रेटरी बर्ड्स का भी सीज़न होता है। सर जी यहाँ तो सब गीला है ना बाइक लगेगी ना टेंट। ओके सो साइट तक तो हम पहुँच गए हैं। सो दिस विल बी अवर कैंपिंग साइट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दिस रिजर्वायर ऑफ ठोकरवाड़ी डैम और अभी हूँ मैं बिल्कुल एच पे हूँ रिजर्वायर के। यहाँ कैंप नहीं कर सकते बिकॉज एक तो काफ़ी यू नो दलदली सी ज़मीन है। बहुत ही सॉफ्ट है अभी बिकॉज पानी शायद रिसेंटली नीचे गया है और बाइक भी नहीं लगेगी टेंट भी नहीं लगेगा। प्लस काफ़ी सारी बर्डिंग हैं बर्ड्स हैं यहाँ पे सो उनकी नेस्टिंग साइट्स हैं सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देम ऑल्सो। सो हम लोग थोड़ा सा दूर जाके कहीं टेंट लगाएंगे। वेल सो अभी हमारी सर्च ऑन है टू फाइंड द परफेक्ट स्पॉट जहाँ पे इतने सारे लोगों के टेंट्स आ जाएं। एंड आई थिंक आई हैव फाउंड इट। वहाँ पे काफ़ी सारी वाटर बर्ड्स हैं यहाँ। ये देखिए डक्स कौन सी हैं। वाह 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 पिपिट्स। दिस इज़ हेवन मैन दिस इज़ हेवन। वाओ रूडी शेल डक्स हैं यहाँ पे। दिस इज नाइस। कितनी सारी बर्ड्स हैं। आई थिंक दिस शुड बी परफेक्ट स्पॉट। ओके जी सो दिस इज अवर कैंपिंग साइट। मैं हूँ और दो और लोग हैं जो यहाँ सबसे पहले पहुँच गए हैं। बाकी ग्रुप पीछे है वो लोग आ रहे हैं। सो यह ये जगह थोड़ी सी ऊंची है पानी से और ड्राई है। सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोग अपने टेंट लगा पाएंगे एंड वी शुड सेटल डाउन हेयर ओनली। पीछे थोड़ा मुझे लग रहा है ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स की नेस्टिंग साइट्स हैं तो वहाँ डिस्टर्ब ना किया जाए। यहाँ जहाँ ये फ्लावर्स हैं छोटे छोटे से ये। ओके सो अब टाइम है पिटारा खोलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक थिंग्स आवर मैट्रेस एंड टेंट स्टूल एंड ये पिटारे। सो
सो बेसिक चीज़ें पहले निकाल ली हैं, जैसे मेरा टेंट है और मैट है, देन मेरा स्लीपिंग बैग, टेंट की लाइट, मेरा स्टूल और एडिशनल लाइट। बाकी जो सामान है इसमें वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट इसका काम बाद में होगा, तब तक थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। दिस इज़ अ पोर्टेबल स्टोव और उसका गैस का कैनिस्टर है इसके अंदर, पानी है यहाँ पे और आगे वाले छोटे पैनियर्स में। इसके अंदर बारबेक्यू ग्रिल और कटलरी वगैरह वो सब है, मेरा कैमरा इक्विपमेंट और चार्जिंग वगैरह का सामान, देन वी हैव चाय का सामान एंड देन द यूटेंसिल्स। सो ये वाले यूटेंसिल्स जो हैं बहुत ही कॉमन यूटेंसिल सेट है जो आपको अमेज़ॉन पे मिलता है या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड अगेन सम टॉयलेटरीज, कटलरीज एंड खाने पीने का सामान। सो दिस इज़ द मैरिनेटेड चिकन जो मैं लाया हूँ और कोयला है, पानी। सो ये सब है, चलिए फटाफट अब स्टार्ट किया जाए कैंपिंग का सीन बिफोर इट इज़ डार्क। सो मुझे अपना टेंट पिच करना है जल्दी से एंड आगे की बातें बाद में। सो टेंट जो मैं यूज़ करता हूँ वो है केशा का T2 और काफ़ी सालों से है ये मेरे पास, और ये है इसका फ्रेम, क्रॉस फ्रेम, जैसे हमारे मंगेश भाई उसको बना रहे हैं वैसे अभी मैं करूँगा। एंड देन दीज आर द पेग्स, नॉट ग्लास वाले पेग्स, बट जो पेग्स हैं जिसके मीडियम से हम इसको, हमारे जो टेंट को अच्छे से ग्राउंड में सिक्योर करते हैं। सेकंड बैच ऑफ टीम इज़ हेयर, इसके बाद और भी काफ़ी लोगों ने आना है, बाकी टेंट लगने शुरू हो चुके हैं एंड आई एम ऑल्सो यू नो पिचिंग माई टेंट, और वो सब प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल एटलीस्ट टेंट मैं खड़ा कर लूँ, फिर बात करते हैं। एंड हेयर कम्स द अदर टीम, और फाइनल जो लोग आने थे वो भी आ गए। मंगेश सर आप सबसे पहले वैसे हैं टेंट लगाने में, द फास्टेस्ट, वेरी नाइस। मंगेश सर ने बहुत ही बढ़िया स्पॉट अपने लिए ढूंढ लिया एंड राइट। सो टेंट इज़ रेडी एंड लैम्प जो मैं लाया था एक टेंट के लिए ये है, दिस इज़ अ चीप चाइनीज मेड लाइट, सोलर से भी चार्ज हो जाती है और ये मेरा काम कर देती है, सो दिस इज़ गुड। अभी बंद कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है, और इसका बॉक्स रख देते हैं, देन स्टूल लगा दिया है, देन ये मैट जो कि है वाइल्ड क्राफ्ट की जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड ये आ जाएगी यहाँ पे फॉर इंसुलेशन एंड थोड़ी बहुत कुशनिंग। नाउ स्लीपिंग बैग, इसको भी अंदर डाल दिया जाए, हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि इतनी ठंड होने के बावजूद स्लीपिंग बैग की ज़रूरत पड़ने वाली, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज यू नो के टेंट के अंदर जब आप जाते हो तो एयर का सर्कुलेशन बहुत ही कम हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा ठंड आपको नहीं लगती है। सो लेट्स सी, यहाँ पे रात को शायद आई थिंक 10 टू 12 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर, मे बी 8, उससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाने वाला है। सो आई डोंट थिंक कि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, बट स्टिल यू नीड अ स्लीपिंग बैग। ऑलराइट, सो अंधेरा हो चुका है, लाइट इज़ ब्यूटीफुल, सभी लोगों के टेंट्स लग गए हैं, कुछ भाई लोग उधर भी हैं, उनसे मिलवाता हूँ मैं, वो भी जो काम मैं कर रहा हूँ वो कर रहे हैं, एंड देन आई एम नॉट टेकिंग आउट दिस स्टोव और ये जो यूटेंसिल्स हैं राइट नाउ, ये मैं आपको मोस्टली सुबह ही दिखाऊंगा, बिकॉज अभी उसका कोई यूज़ नहीं, अभी तो बारबेक्यू ही होगा। एंड या सो टेंट इज़ रेडी एंड ये सब हमारा खाने पीने का सामान, एंड दिस इज़ कोल, ऑयल, चिकन, प्याज इंड ऑल, और इसके अंदर मेरा ग्रिल है। सो सभी कुछ हो गया फाइनल,
और बस अब रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं। नाउ ऑल सेटल्ड एंड टाइम फॉर अ कॉफी। भाई लोग यहाँ पे कुकिंग चालू है एंड चीयर्स। सो कॉफी। ओके सो गेटिंग रेडी फॉर बॉनफायर। वुड आ गई है बस कट करनी रह गई है। ठीक ठाक ही है, आग तो पकड़ लेगा। ये 2 महीना हो गया इसको रख के। क्या बात है, स्ट्रॉन्ग बात है। हाँ जी, पेट्रोल वगैरह है किसी के पास? ऑल राइट, लेट तो काफ़ी हो चुका हूँ और अंधेरा प्रॉपर है। काफ़ी टाइम लग गया हमें बॉन फायर वगैरह करने में। लाइट बहुत है, देख भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको मैं ग्लिम्स दे देता हूँ कि व्हाट आर वी डूइंग, है ना। और कैंप सबके लग चुके हैं, पीपल आर एंजॉइंग, बातें कर रहे हैं और बारबेक्यू वगैरह हो रहा है। बॉन फायर था उसको हमने हटा के अभी काफ़ी देर हमने एंजॉय किया, बट देन यू नो कोयला वगैरह निकाल के एंड वी आर डूइंग बारबेक्यू ओवर दैट। सो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ बारबेक्यू इज गोइंग ऑन। ये देखिए चिकन, दिस इज पनीर का ग्रिल अलग है, पनीर टिक्का एंड ऑल। सो पीपल आर एंजॉइंग मैन, नाइस। और पोटैटो एंड एवरीथिंग, मज़ा आ रहा है। ये टेंट्स हैं हमारे और ये वाटर बॉडी। रिफ्लेक्शन आपको यहाँ देख रहा होगा पानी में। सो दिस इज वाटर बॉडी। सो आफ्टर अमेजिंग बारबेक्यू एंड यू नो कैंपिंग एक्सपीरियंस, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। मैं आ गया हूँ अपने टेंट में और ठंड काफ़ी है। आई थिंक 8 डिग्री होगा बाहर टेम्परेचर, 8 to 10 degrees। और बट आई हैव माई स्लीपिंग बैग, सो नॉट वरी। फिलहाल सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं कि क्या सीन है बाहर। ईस्ट फेसिंग है हमारा डोर राइट नाउ, जहाँ हमने टेंट्स पिच किए हैं। सो सीन तो बहुत अच्छा होगा। बस उम्मीद है कि मैं टाइम पे उठ जाऊँ, बिकॉज काफ़ी लेट हो गया बातें करते करते और 12:30 बज रहे हैं। सो दैट्स इट, आई थिंक आई शुड क्लोज दिस वीडियो हेयर। नॉट वीडियो मतलब आज की रात यहाँ ख़त्म होती है, सुबह फिर मिलेंगे डेफिनेटली। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग फोक्स। सो दैट वॉज एन अमेजिंग इवनिंग जो हमने कल बिताई, कैंपिंग एंड ऑल। और रात भी अच्छी थी, काफ़ी ठंड हो गई थी रात को। सो टेंट में थोड़ी बहुत लगी मुझे और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, बिकॉज जो मेरा मैट है बहुत ज़्यादा, एक तो थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा इंसुलेटिंग नहीं है, और पिलो की भी एक कमी थोड़ी महसूस हुई। सो ये दो चीज़ें हैं जो यू नो हमको सॉर्ट आउट करनी है फॉर कैंपिंग लॉन्ग टर्म। सो एक तो है मैट, मैं शायद एक अच्छा एयर मैट लूँगा। सो इफ़ यू आर कैंपिंग एक दो बार के लिए ये सब ठीक है, बट अगर ज़्यादा लंबा आप कैंप करना चाहते हैं तो बी श्योर टू इन्वेस्ट इन अ गुड यू नो एयर कुशन मैट। और एक पिलो वो आप सॉर्ट कीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ गुड नाइट स्लीप। सो खैर इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, आई एम फीलिंग फ्रेश नाउ। और अभी सब लोग टेंट वगैरह अपना वाइंड अप करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे चाय वाय बना के पियेंगे और फिर निकला जाएगा यहाँ से। वेल अगर मॉर्निंग में एक चाय वो भी सनराइज के साथ मिल जाए, व्हाट एल्स डू यू नीड। सो यू नो सनराइज इज़ हैपनिंग राइट नाउ और वी कैन लिटरली सी कि सूरज ऊपर उठता हुआ हम लोग देख पा रहे हैं। अगर DSLR होता तो बहुत ही एक अच्छी फोटो आती। Thank you.
सन लिटरली राइज हो रहा है हमारे सामने और बहुत मजा आ रहा है चाय के साथ. सो दिस इज यू नो दीज आर द पर्क्स ऑफ कैंपिंग एंड यू नो बीइंग आउटडोर्स. जो आप नेचर को एंजॉय करते हो सो वो एक बहुत अच्छी बात है. बहुत ही अमेजिंग व्यू. वेल चलिए अब थोड़ा चाय बनाया जाए और आपको ये भी मैं दिखाऊं कि अगर आप ऐसी किसी कैंपिंग पे आते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं यूटेंसिल्स एंड गैस एंड ऑल दीज आइटम्स टू कुक फूड और यू नो चाय वाय बनाने के लिए. सो ये जो पोर्टेबल स्टोव है ये दिखता है कुछ ऐसा और इतना कॉम्पैक्ट होता है और ये सभी चाइना मेड होते हैं और अमेज़ॉन पे यूजुअली आपको 500 रुपये तक का ये मिल जाता है. और इसके लिए लाइटर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इनबिल्ट ही वो होता है. सो क्विकली दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं. ये खुल गए इसके फुट्स एंड देन यहाँ पे इसका एक्सटेंशन है. सो या एंड ये चलता है ऐसे ब्यूटेन गैस के सिलेंडर से कैनिस्टर से. ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे. चलिए इनको लगा के मैं चलाता हूँ. ये लिड खुल के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. रेगुलेटर भी इसी में है और लाइटर भी इसी में है. जो नॉर्मल यूटेंसिल्स हम लोग बात कर रहे थे वो कुछ इस शेप के होते हैं. एक ये पैन होता है और एक ये टी पैन काइंड ऑफ थिंग और उसके अंदर बहुत सारे ये फैंसी इक्विपमेंट होते हैं जो अपने को यूजुअली नहीं चाहिए होते. सो ये साइड में रख देते हैं. चाय के लिए सिर्फ ये हम यूज़ करेंगे और मग वगैरह अपना रेडी है. चलिए चाय बनाते हैं. ओके चाय तो रेडी हो रही है. मीनवाइल आइए आपको मिलाएं अपने एक फेलो राइडर और कैंपर से. मीट मिस्टर राठौर. सो ये ही इज़ अ प्रोमिनेंट मीन्स फुल टाइम यूट्यूबर और एक इनका जो प्रोमिनेंट चैनल है दैट इज़ कॉल्ड गियर फ्लिक जो कि इट्स ऑल अबाउट रिव्यूज़ एंड यू नो टिप्स ऑन ऑटोमोटिव्स सारे वो. और बताइए सर आज आप क्या वीडियो बना रहे हैं अपना. आज तो खैर अपना पर्सनल चैनल है नोमैडिक गियर शिफ्टर के लिए. ओके एक अपना कैंपिंग व्लॉग है जस्ट लाइक योर्स. मेरा अच्छा लगता है अपन ते महीनों के बाद मिलते हैं. yes. इस कैंपिंग में ही सही बट वी डू यू नो स्टे इन टच. हम लोग फोन वोन पे बातचीत होती रहती है जब कुछ कहीं अटक जाते हैं तो. सो इनके जो पर्सनल व्लॉग्स हैं जो राइडिंग और यू नो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के वो इनके हैं नोमैडिक गियर शिफ्टर के नाम से. सो दो चैनल हैं दोनों आप देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए. सो चलिए चाय बनाते हैं. सो पानी अपना गर्म होने लगा है और हम चाय के नज़दीक पहुंचते हुए सो आज मैं डायरेक्ट मतलब अपना देसी स्टाइल में चाय नहीं बना रहा हूँ. आई एम यूजिंग अ प्री मिक्स हेयर. सो लेट्स सी कैंपिंग वगैरह पे आप ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं. अनदर राउंड ऑफ टी मेड बाय माई सेल्फ. पहले तो भाई लोगों ने बनाई थी कॉमन मैंने उसमें पी. सो इट्स ऑलवेज नाइस यू नो टू हैव अ टी और कॉफ़ी और अ मील इन दिस काइंड ऑफ सेटिंग. सो या दीज आर द फंस मतलब ये होते हैं यू नो मोमेंट्स जो आप इन्जॉय करते हैं कैंपिंग वगैरह के दौरान. सो आप अकेले आएँ दोस्तों के साथ आएँ फैमिली के साथ आएँ बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है यू नो. और सबसे अच्छी बात इट्स फ्री एंड व्हेन आई से फ्री फ्री मींस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उसको फ्री कर सकते हैं. अदरवाइज देर आर अगर आप थोड़ा सेफ़ रहना चाहते हैं अगर आप फैमिली वगैरह के साथ हैं तो देर आर पेड कैंपिंग साइट्स जो आपको खुद का टेंट भी लगाने देते हैं या फिर अगर वो आपको यू नो दे आर चार्जिंग यू फॉर देयर टेंट एंड देयर फैसिलिटीज़ विच इज़ मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज ग्लैम्पिंग. बट अगर आप ये प्रॉपर ऑर्गेनिक कैंपिंग करना चाहते हैं तो या इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आपके राइडिंग पार्टनर्स फ्रेंड्स उन लोगों के साथ आएँ ऑन टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स. बस एक ये रिक्वेस्ट मेरी हमेशा होती है जब भी आप ऐसी जगह पर आएँ बिकॉज
कैंप जब आप कर रहे हैं या तो आप फॉरेस्ट एरिया में कर रहे होगे और यूजुअली वो सब मना होता है, तो आप थोड़े बहुत यू नो गेट सम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दैट ऑल्सो। और उसके अलावा यूजुअली आप कहीं गांव वगैरह के आसपास ही कर रहे होगे बिकॉज ऑफ यू नो थोड़ी बहुत एक सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी और कुछ खाने पीने का जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए भी। सो थोड़ा सेंसिबल रहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़ोर से म्यूज़िक लगा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कचरा फैला के गए हैं एंड ऑल दैट, वो थोड़ा अवॉइड कीजिए और एंजॉय कीजिए कैंपिंग। चलिए फ्रेंड्स, अभी जाने का टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं, काफ़ी धूप हो गई है, चाय वगैरह और यू नो बिस्किट्स वगैरह वो सब तो हम खा चुके हैं, बट इस कैंपिंग पे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब नहीं बना रहे हैं। सो वील बी हैविंग अवर ब्रेकफास्ट समवेयर इन बिटवीन, कहीं गांव में छोटे मोटे रेस्टोरेंट पे ढाबे पे खाएंगे। तो तैयारी है, सब लोग अपना जाते टाइम की फ़ोटोज़ वगैरह वो सब कर रहे हैं, सफाई हमने कर दी है सब, विच इज़ अ मस्ट यू नो सिंस ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और यू नो बायोडिग्रेडेबल, वी आर लीविंग इट हेयर, इसका हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, वैसे भी कोई ना कोई गांव वाला भी यूज़ कर ही लेगा। कचरा सब बाइक्स में चला गया है, ये भी पैकेट चला जाएगा एंड सो ऑल द टीम मेट्स दे आर बिजी यू नो टेकिंग देयर फोटोज़। बर्ड्स वगैरह वापस आने लगी हैं, बहुत ही सारी अलग अलग तरह की हैं बर्ड्स यहाँ पे, सो वो लोग भी अभी यू नो बास्किंग के लिए, सन बाथिंग के लिए आने लगे हैं। सो आई एम मिसिंग कि DSLR यहाँ लाना चाहिए था। खैर एनीवेज, सो या दैट वाज अबाउट यू नो कैंपिंग राइड, सो फर्स्ट कैंपिंग व्लॉग शायद एक बहुत इनिशियल है मेरा इस पे, जब मैं बहुत ही यू नो कैजुअली यूट्यूब पे वीडियोस डालता था, अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं, सो वो है, बट हाँ आगे ये सब कंटेंट भी आएगा फ्यूचर में एंड यू गाइस स्टे ट्यून, देखते रहे वीडियोस। और कैंपिंग वगैरह अगर आप मतलब न्यूबीज़ हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप यू नो प्रोमिनेंट ट्रैवलर हैं और ये सब करते रहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज दीज आर द बेसिक टिप्स एंड बेसिक प्रोडक्ट्स दैट आई एम शोइंग राइट नाउ। तो अगर आप स्टार्टर हैं, ये सब करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आप कमेंट्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड चलिए अब वापसी का क्या रूट है, क्या कैसे वो सब मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ, एंड देन इट विल बी एंड ऑफ द वीडियो। कुछ बोलो बोलना क्या है, बोलना क्या है, बॉनफायर की लकड़ी 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 गीली है, लकड़ी सूखी है, हाँ मैं कोशिश कर बहुत कर रहा हूँ, ठंड बहुत है, पता नहीं रात को जलेगी नहीं जलेगी, थोड़ी देर सब जैकेट उतारना पड़ेगा।